आपने आंगनबाड़ी का नाम जरूर सुना होगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को अपने मानदेय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने मानदेय को अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे चेक कर सकती है कि उनका मानदेय कब तक और कितने तारीख तक इस महीने का आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की ओर चलते हैं। अपना मानदेय ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट मिलेंगे, उस ब्राउज़र का डेस्कटॉप साइट आपको ऑन कर लेना होगा जिससे आपको चेक करने में आसानी होगी। उसके बाद आपको ब्राउज़र में सर्च करना होगा AANGAN आंगन, आंगन सर्च करना होगा। आंगन सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको ये मिलेगा ICDS ऑनलाइन, उस पर क्लिक कर देना होगा। आपको आंगन का जो ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम मैनुअल डाउनलोड डैशबोर्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। आपको ये सब को कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है होनोरेरियम रिपोर्ट। यानी होनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय, तो मानदेय के बारे में आपको जानना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पेंडिंग अटेंडेंस एंड होनोरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका एंड सहायिका, ऑनरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका एंड सहायिका, पेमेंट स्टेटस, मंथ वाइज अकाउंट वगैरह, आप बहुत सारे डिटेल्स यहाँ जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑनरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका एंड सहायिका, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आंगन मानदेय करके। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, फाइनेंशियल ईयर आप 2017 से लेकर के 2020-21 यानी लगभग 3 साल के मानदेय डिटेल्स अपनी निकाल सकते हैं। आपका मानदेय कब मिला, कितने तारीख को जनरेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो 2019-20 अभी सेशन चल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा प्रोजेक्ट, आप कहाँ के कौन से प्रखंड के आपको ब्लॉक का चेक करना है, आप वो चेक उस वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा सेक्टर, हर एक आंगनबाड़ी सेंटर्स को सेक्टर में बांटा गया, अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आएगा AWC आंगनबाड़ी सेंटर, आपको आपका आंगनबाड़ी सेंटर कौन है आप अपने कोड के हिसाब से उसको चूज़ कर लेंगे। उसको चूज़ करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा डेजिग्नेशन, आप इस सेंटर की सेविका या सहायिका किसकी मानदेय की डिटेल निकालना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं सेविका की डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने सेविका पर क्लिक, आप नीचे देख पाएंगे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं अब, जैसे कि नाम, सेविका का नाम, अकाउंट नंबर, उनका कोड वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मंथ, किस मंथ का पैसा है, कब वेरीफाई हुआ, एब्सेंटी वेरीफाई कब हुआ, सैलरी आपका जनरेट कब हुआ, DPO के पास कब भेजा गया, हेडक्वार्टर को कब भेजा गया, आपका पैसा बैंक में कब गया, पेमेंट आपका इश्यू कब हुआ है। तो इतने सारे ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि जैसे कि जनवरी 2020 तक का पैसा आपके यहाँ का आ चुका है, 3/4/20 को जनरेट हुआ था और 4/4/2020 को DPO में ऑफिस में आया, और 20/4/2020 को आपको दिसंबर और जनवरी दोनों माह का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया गया है। तो ये बहुत बिल्कुल आसान तरीका था आपको अपने मानदेय को चेक करने का। तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा था प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके आसपास आपके रिलेशन में कोई भी आंगनबाड़ी कर्मी है तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, वह भी अपने मानदेय को ऑनलाइन चेक कर पाए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।